इसमें क्या क्या आएगा आपको पढ़ने के लिए? इसमें हमें पढ़ना है एक बार ग्राफ है और दूसरा डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ तो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब आपने पिछली वाले में भी करा था। डबल बार ग्राफ को समझते हैं कि डबल बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है। डबल बार ग्राफ में पहला तो डिफरेंस है कि आपको डेटा इस तरह का दिया होगा, ठीक है, क्लास दी है क्लास 7, 8 एंड 9, ठीक है, उसमें उसकी इंग्लिश। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा आपको पढ़ने के लिए? इसमें हमें पढ़ना है एक बार ग्राफ है और दूसरा डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ तो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, अगर तो आपको याद है ये चीजें कैसे बनाना होता था कैसे नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्टली आप फर्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, नहीं तो समझ सकते हो। इसको बनाने के लिए एक मेन चीज चाहिए होती है, जो है चूजिंग अ स्केल। अब स्केल कैसे चूज करना है हमें? स्केल हमें चूज करना है, ओके, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है, हम उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमेशा आपने नंबर ऑफ समथिंग लिखा है ना, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, नंबर ऑफ कार्स हो सकती है, कुछ भी नंबर्स आपने हमेशा यहाँ पे लेने हैं वाई एक्सिस पे। और यहाँ पे जो चीज उसके साथ दी होगी, मैंने यहाँ पे कलर्स लिए हैं, जैसे मुझे दिए होंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक रेड कलर, तो रेड कलर के स्टूडेंट्स दिए होंगे कि कितने स्टूडेंट्स रेड कलर को लाइक करते हैं, तो रेड में यहाँ पे लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर आएंगे। अब स्केल का क्या सीन है, यहाँ पे आपको पता है जीरो होती है, इसके बाद यहाँ पे आपकी जो क्या कहते हैं 10 लाइंस के बाद एक लाइन दी होती है जिसके ऊपर आप नंबर लिखते हो, ठीक है, ये हमारा होता है 0 to 1, एक यूनिट, ये होता है एक यूनिट यहां तक। तो हम यहाँ पे स्केल सेट करते हैं कि हमारा जो एक यूनिट है ना वो किसके इक्वल होगा। मान लो रेड कलर को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स है 500, अगर मैं यहाँ पे 10 ले लूंगा ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, अब मेरे को यहां पे अराउंड 50 बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो 50 बनाना कितना मुश्किल काम है, कितना बड़ा बार ग्राफ आपका बन जाएगा। तो हम उसकी जगह हम क्या करेंगे, उसकी जगह हम ले लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। अब मेरे को सिर्फ 5 यूनिट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 फिर 2 3 4 5, मेरा यहीं पे ग्राफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने स्केल जो है वो सेट करना है, यूनिट सेट करने हैं बेसिकली, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। तो ये है हमारा बार ग्राफ, ठीक है, इसके लिए हमें एक डेटा दिया होगा, जैसे मैंने ये साइड पे लिखा हुआ है, कलर्स दिए हुए हैं यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसको लाइक करते हैं 500 करते हैं, रेड को 600 करते हैं, ग्रीन को ब्लू को 700, ठीक है। फिर मैंने ये डेटा उठा के यहाँ पे बार ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्या करा, 1 यूनिट मैंने 100 स्टूडेंट्स के इक्वल ले लिए, तो 1 यूनिट पे क्या आएगा 100, और मैंने बोला था नंबर ऑफ समथिंग हमेशा इधर आना है तो इधर ही लेना है, और कलर्स इधर आ गए हैं, ठीक है, बस 500 तक 600 एंड 700 आपका बार ग्राफ बन गया, ठीक है, बहुत इजी है बार ग्राफ, आपने पिछले वाले में भी करा था। डबल बार ग्राफ को समझते हैं कि डबल बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है। डबल बार ग्राफ में पहला तो डिफरेंस है कि आपको डेटा इस तरह का दिया होगा, ठीक है, क्लास दी है क्लास 7, 8 एंड 9, ठीक है, उसमें उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं एंड हिंदी में कितने आए हैं, ये दोनों अलग अलग दिए हुए। अब इन दोनों को हमें एक ग्राफ पे बनाना है। अब हमारे पास एक ही डेटा नहीं है, जैसे वहां पे था कलर्स थे और सब कलर्स को हमने एक ही बार के साथ बना दिया, लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट आ गए तो हमें दो चीजें दो बार बनाने पड़ेंगे इसमें। तो ये वाला जो बार ग्राफ बनता है ना वो कुछ ऐसा बनता है। अब इसमें डिफरेंस सिर्फ कि क्या आया है, ये तो आप बार तो आपको बनाने आते हैं, यहाँ पे यूनिट्स भी सेट करने आते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यूनिट्स भी आपको सेट करने आते हैं, सब कुछ सेट करना आता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि इंग्लिश के लिए आपने जो बार बनाना है ना ये वाला वो अलग होना चाहिए और हिंदी के लिए अलग होना चाहिए, बस, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। जैसा हम
क्या कहते हैं बार ग्राफ बनाते थे, वैसा ही हमारा डबल बार ग्राफ आएगा, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, बस बनाने में थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ नहीं है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज द बार ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कौन सा वाला पॉपुलर पेट है सबसे ज्यादा। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इन बार ग्राफ पेट ओन्ड बाय द मोस्ट स्टूडेंट्स इज कैट, कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास क्या है, मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हो यहाँ पे, कैट है। देयर फॉर द मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा होगा, कैट ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इनके आंसर्स देने बहुत इजी होते हैं, बस आपको लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट, आपको साफ दिख रहा है 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एज अ पेट इज इक्वल टू 8 स्टूडेंट्स। तो दो ही क्वेश्चन थे फर्स्ट वाले में बार ग्राफ से, सेकंड देखो सेकंड। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बार ग्राफ दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं। तो बार ग्राफ आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। तो इस बार ग्राफ में दिक्कत क्या है, हमें दिक्कत ये है कि हमें वो जो जैसे आपके ग्राफ में दी होती है ना लाइंस, इस पिक्चर में नहीं दी हुई। तो इसका जो आंसर्स है ना, वो हम देंगे लेस देन मोर देन में, ठीक है, क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे दिया हुआ है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989 एंड 1992 में, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो देखो जैसा कि हम ग्राफ में देख सकते हैं, 1989 का 200 से कम है, तो हम यहां पे सिर्फ लिख देंगे लेस देन 200, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बुक्स सोल्ड इन 1990, अब 1990 में आपको दिख रहा है कि 500 से कम है, तो हम यहां पे भी लिख देंगे। आप मोर देन 400 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, मैं लेस देन 500 लिखने लगा। उसके बाद बुक सोल्ड इन 1992 में, तो 1992 में 200 से ज्यादा ही दिख रहे हैं, ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे मोर देन 200, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें, इन विच ईयर वर अबाउट, अब देखो यहां पे वो भी वर्ड क्या यूज कर रहा है, अबाउट यूज कर रहा है, तो अबाउट यूज कर रहा है, दैट मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे भी नहीं है। तो 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, दो क्वेश्चंस पूछे हैं इसमें। तो अब देखो अबाउट 475 बुक्स सोल्ड इन, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड इन, तो हम देखते हैं किसमें होगा, ठीक है। 475 अगर हम देखें तो देखो 400 से ऊपर है, 500 से नीचे है 1990 में, ठीक है, और किसी में भी नहीं है। तो हम यहां पे लिख देंगे 1990, क्योंकि हमने लिखा भी है लेस देन 500 और मोर देन 400, तो उसके बीच में ही आ रहा है, तो 475 हो सकता है, ओके। और 225 किस में है, देखो 225 है हमारा 300 से नीचे और 200 से ऊपर है 1992 में, ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे आंसर इसका 1992। अब चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो आ रहा है वो है, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, 250 से भी कम बुक्स थी जो कौन कौन से ईयर में सोल्ड हुई, तो उसका आंसर ढूंढते हैं। तो लेस देन 250 बुक्स सोल्ड इन कौन कौन से ईयर में हुई, देखो एक तो हमने 1989 का लिखा था लेस देन 200, तो 200 से भी लेस है, तो 250 से तो लेस होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा हमारा 1989, सेकंड देखो 1992 में आ सकता है, इजीली आ सकता है, क्योंकि 1992 में देखो हाफ से कम है, 300 से कम है, लेकिन 200 से ज्यादा है, और 200 के सेंटर में भी नहीं आ रहा, तो यहां पे आ जाएगा एक हमारा 1992 में, ठीक है। तो ये दो हमारे आंसर हो गए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका ही, इसी का ही फोर्थ पार्ट है हमारा,
उसमें उसने हमसे पूछा है कि आप जो वैल्यू होती है कि जो आप एस्टिमेट ले रहे हो नंबर ऑफ बुक्स, वो कैसे लेते हो आप? ठीक है, तो हम कैसे लेते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, तो ये देखो, ये तो मैंने इनके ऊपर देखो 700 लिखा हुआ है, तो आपको वैल्यू पता चलती है। अगर मान लो ये आपको ना पता चल रही होती, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप लोगे इस बार के ऊपर इसको, एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करके मार दोगे, जहां पे जाके ये टच करेगी आपकी वो नंबर ऑफ बुक्स होंगी। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे 700 पे टच कर रही थी, इसलिए ये 700 था। इसका आंसर हम लिखेंगे, वी एस्टिमेट द बुक्स बाय ड्रॉइंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम टॉप ऑफ एनी बार, किसी भी बार के ऊपर से टॉप से हम एक लाइन खींचेंगे जो वाई एक्सिस की तरफ जाएगी। ठीक है, टू वाई एक्सिस, वेयर द लाइन टचेज द वाई एक्सिस इज द नंबर ऑफ बुक्स। जहां पे भी जाके वो टच करेगी उसको, वो क्या हो जाएगा? हमारा नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इजी है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो बोल रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिक्स डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस दी हैं, आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन बार ग्राफ। बार ग्राफ के ऊपर डेटा बनाना है हमने, उसके बाद कुछ आंसर्स देने हैं। ठीक है, बार ग्राफ से, तो चलिए पहले बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। तो देखो, हमारा डेटा शो कर रहा है कि फिफ्थ क्लास में है टोटल बच्चे 135, तो यहां पे ऑलमोस्ट यहां तक पहुंचेगा। तो चलिए इसको ड्रॉ कर देते हैं हम फटाफट से। सेंटर में आपको ग्राफ पे तो इजीली बना सकते हो, यहां पे थोड़ा सा मुश्किल आएगी, लेकिन आप जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो एक एक लाइन, सिंगल सिंगल लाइन वहां पे दी होती है, तो आप आराम से 135 काउंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा, और इसके ऊपर आप 135 लिख दिया करो, ताकि आपको वैल्यू बार बार ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, और सिक्स्थ में है 120, और नेक्स्ट है हमारा सेवंथ, सेवंथ में है हमारे पास 95। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये बनाने मेरे हिसाब से तो आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो सीख लो, आते हैं तो यू कैन स्किप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ इसके क्वेश्चंस के आंसर्स पे आप इसको स्किप कर सकते हो। तो ये हमारा आ गया 95, है अभी 95 भाई है। ठीक है, ओके, एंड देन हमारा नेक्स्ट आता है 100, एट्थ क्लास में है 100 स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में हमारे 90 स्टूडेंट्स। ओके, एंड टेंथ क्लास में हमारे 80 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया। ठीक है, बहुत इजी बनाना है इनको बार ग्राफ्स को, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं बार ग्राफ को देख के। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, कहता कि आप स्केल कैसे चूज करोगे। सी सिंपल है, मैंने यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन सिंपल है, हमने 1 यूनिट किसके इक्वल लिया है, यहां पे 10 स्टूडेंट्स के इक्वल लिया है ना, तो हम यहां पे भी सेम लाइन लिखेंगे, बट यहां पे हम लिख देंगे बस साथ में कि वी विल चूज 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स बिकॉज
students is from 82, 80 से लेके हमारे पास कितने थे 140 तक थे ऑलमोस्ट, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो we will choose one unit equal to 10 student because number of students is from 80 to 140। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है यहाँ पे, ये ए पार्ट था और बी पार्ट के आगे दो पार्ट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट, बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, किसमें मैक्सिमम है और किसमें मिनिमम है। तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां से, देखो मिनिमम किसमें है, टेंथ क्लास में, और मैक्सिमम किसमें है, फिफ्थ क्लास में। बस यही आंसर है हमारा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिफ्थ क्लास इज इक्वल टू 135, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इन टेंथ क्लास इज इक्वल टू 80 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट बी का ही, वो है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। अब रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है, तो रेशियो तो बहुत ईजी है। तो रेशियो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8, तो 6 के कितने थे हमारे, 6 थे हमारे 120, रेशियो क्लास 8 के कितने थे हमारे, क्लास 8 के थे हमारे 100, ठीक है। ये जीरो और जीरो कट जाएंगी तो यहां पे आ जाएगा 12:10। एंड देन देखो इनमें भी दोनों में जो इन चीजों में कॉमन आ रहा होता है ना, वो हमने निकाल देना होता है। उसके बाद देखो जैसे हम लोएस्ट फॉर्म बनाते हैं वैसे करना, बिल्कुल इनमें 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2 कॉमन निकाल लूंगा इसमें से, तो यहां पे 6 बच जाएगा और यहां पे 5, इसके बाद कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे आपका जो थर्ड क्वेश्चन था वो खत्म होता है। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ, ठीक है, एप्रोप्रिएट स्केल चूज करके, वो तो हम चूज कर ही लेंगे, ठीक है। तो हमें डबल बार ग्राफ एक ड्रॉ करना है, तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है हमें एक स्केल चूज करना पड़ेगा। तो पहले तो हम करते हैं एक स्केल को चूज, ठीक है। स्केल हम यहां पे ले लेते हैं, ये देखो मैंने स्केल सॉरी ऑलरेडी लिया हुआ है, 10 मार्क्स के इक्वल लिया हुआ है, तो 1 यूनिट हमारा किसके इक्वल हो गया, 10 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद देखो ये डबल बार ग्राफ है, तो मैंने आपको बोला कि दोनों को आपने अलग अलग तरीके से बनाना है, ठीक है। अब यहां पे देखो एक फर्स्ट टर्म दिया है, एक सेकंड टर्म दिया है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, जो बिल्कुल व्हाइट बॉक्स है, सिर्फ बॉक्स है, वो आएगा फर्स्ट टर्म के लिए, और जिसमें थोड़ी सी लाइंस है ऐसे करके, वो आ जाएगा सेकंड टर्म के लिए, बस। तो अब सिर्फ ड्रॉ करना है, ये आपने शायद पहले क्लासेस में नहीं करा हुआ, तो चलिए फिर इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अब देखो इंग्लिश में उसके फर्स्ट टर्म में मार्क्स थे 67, तो व्हाइट जो बिल्कुल आएगा वो वाला तो हमारा आ जाएगा 67 पे, यहां पे ऑलमोस्ट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 67। और उसके बाद जो हमारा सेकंड टर्म में थे उसके 70 आए थे, फिर थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा देंगे बस, तो ये हमारा आ गया 70, और इसको हम ऐसे करके लाइंस लगा देंगे ताकि ये पता चले कि सेकंड टर्म का है ये, ठीक है। तो ऐसे करके सारा का सारा बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैं ड्रॉ करता हूं एंड फिर हम मिलते हैं। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया बार ग्राफ, ठीक है। हिंदी में थे उसके 72 एंड 65 एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो बनाना बहुत इजी है। अब इसके क्वेश्चन से हम करते हैं, आप भी बना सकते हो मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जस्ट लाइंस ही ड्रॉ करनी है, कुछ डिफरेंट थोड़ी करना है, या तो होना डिफरेंट करना हो कुछ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका आ रहा है हमारे पास फोर्थ का, तो
चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस दी मोस्ट. सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किसमें इम्प्रूव हुई है? तो अगर हम देखें, हमें एक एक करके ना सबके हम क्या करते हैं, डिफरेंस लिख लेते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा इजीली. तो देखिए, इंप्रूवमेंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में थे उसके 67 एंड सेकंड टर्म में आए 70, तो तीन बड़े. उसके बाद देखो हिंदी में उसकी इंप्रूवमेंट क्या हुई है. हिंदी में उसके फर्स्ट टर्म में थे 72, उसमें से माइनस अगर हम कर दें 65, तो ये तो उसकी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, उल्टा मतलब उल्टा चला गया, नीचे चला गया, उसके मार्क्स लोअर गए हैं. तो कितने गए हैं, ये आएंगे -7. तो इसको तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, ये तो इम्प्रूव्ड हुआ ही नहीं किसी में भी. ओके, नेक्स्ट देखो मैथ्स में 95 सेकेंड टर्म में थे, फर्स्ट टर्म में थे 88, तो ये 7 नंबर्स की इम्प्रूवमेंट हुई, तो अभी तक मैथ्स में सबसे ज्यादा इम्प्रूव्ड है. उसके बाद देखो साइंस में उसके सेकेंड में 85 थे, फर्स्ट में 81 थे, तो 4 की इम्प्रूवमेंट, अभी भी मैथ्स ही ऊपर है. और सोशल साइंस में 75 पहले थे, 75 सेकेंड टर्म में थे और 73 फर्स्ट टर्म में थे, तो 2 का डिफरेंस आया. तो सबसे ज्यादा उसकी इम्प्रूवमेंट किसमें दिख रही है हमें, मैथ्स में दिख रही है. तो हम यहां पे आराम से अपना आंसर लिख सकते हैं कि चाइल्ड इम्प्रूव्ड इन मैथ्स दी मोस्ट. ठीक है, तो आराम से हमने आंसर लिख दिया इसका. अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे अब देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, कहता है कि किसमें वो इम्प्रूव्ड द लीस्ट हुआ है, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किसमें हुई है. तो अब देखो सबसे कम इम्प्रूवमेंट देखो 2 मार्क्स की इसी में हुई है, क्योंकि इंग्लिश में भी उसके 3 है, ये तो उल्टा चला गया ना, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे हम. इम्प्रूवमेंट किसके सबसे ज्यादा कम हुई है, तो वो है सोशल साइंस. चाइल्ड इम्प्रूव्ड इन एस साइंस द लीस्ट. ठीक है, सबसे लीस्ट जो इंप्रूवमेंट हुई है वो हुई है हमारी सोशल साइंस में. हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी ऑब्जेक्ट, तो ये जो डाउन वाली परफॉर्मेंस हुई है वो हुई है उसकी हिंदी में. ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं कि परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज गॉन डाउन. ठीक है, तो हिंदी में परफॉर्मेंस उसकी डाउन गई है. तो इजी है, बस बार ग्राफ बनाना चाहिए, ये सबसे इजी चैप्टर है और फ्री के मार्क्स आते हैं इससे. ठीक है, अगर आपको बार ग्राफ वगैरह अच्छे से बनाने आते हैं तो फिर फ्री के मार्क्स है. तो चलिए अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिफ्थ क्वेश्चन. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें डबल बार ग्राफ बनाना है और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं. तो ये वाला मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है और ये आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा. ठीक है, तो फटाफट से इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लिए या कुछ भी कर लीजिए. ठीक है, एंड देन इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैन वट एवर पर्सन को परफेक्ट करता है. ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको बना के देखिए. अगर आप कहोगे कि नहीं और ये तो मुझे आ ही गया बनाना, अब मैं बना के क्या करूंगा, तो वो आपकी गलत फहमी है. ठीक है, बनाना आपको पड़ेगा ही, एक बार बनाओ चाहे 100 बार बनाओ, जो 100 बार बनाएगा ऑब्वियसली वो ज्यादा परफेक्ट रहेगा, और जो एक बार ही बनाएगा वो ज्यादा परफेक्ट नहीं होगा. तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो अभी के लिए करो. ठीक है, तो हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. स्टार्टिंग में हमें एक डेटा दिया हुआ है, उससे हमें क्या करना है, एक डबल बार ग्राफ बनाना है. ठीक है, तो चलिए पहले तो हम ग्राफ देखते हैं, वो मतलब टेबल देखते हैं कौन सा वाला था. तो टेबल आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा. तो देखिए इसका बार ग्राफ अब हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, डेटा आपको शो हो रहा है. अहमदाबाद में देखो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री, एंड ये सब हमने सेट कर लिया. अब नीचे से इसके नाम भी लिख रही है हमने. तो अहमदाबाद में जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो था 38, तो ऑलमोस्ट यहां कहीं पे आएगा. तो चलिए फिर इसको फटाफट से ड्रॉ कर देते हैं.
यहाँ पे आप लिख देना 38, और जो मिनिमम टेम्परेचर था वो है 29 डिग्री, तो वो ऑलमोस्ट यहीं कहीं पे आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 29, और इसको हम लाइंस लगा देंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है अमृतसर। अमृतसर में था 37 डिग्री, तो 37 डिग्री से थोड़ा सा एक डिग्री कम कर दो बस। आ जाएगा हमारा 37 डिग्री। ओके, और जो मिनिमम था वो है 26 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा 26। एंड देन बेंगलुरु में देखते हैं, बेंगलोर में 28 डिग्री था, ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही आ जाएगा, ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएंगे हम, 29 से थोड़ा सा नीचे। बिल्कुल सही है। तो यहां पे आ जाएगा हमारा 28, और जो मिनिमम था वो है 21, तो 21 कुछ यहां पे आएगा। यहां पे आ जाएगा 28, नाउ चेन्नई की बारी है, ठीक है। तो चेन्नई में है 36 डिग्री, तो फटाफट इसको अब खत्म कर लेते हैं। तो ये हमारा बार ग्राफ रेडी है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम वो उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है कि डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑन द गिवन डेट, ठीक है। जो दिया हुआ है हमें चार्ट बिल्कुल का बिल्कुल, जो हमने अभी बार ग्राफ भी ड्रॉ करा है जिसका, उस टेबल से कहता मिनिमम डिफरेंस जो है सबसे ज्यादा, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें था, तो पहले हमें सबका एक एक करके फाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन, ठीक है। तो अहमदाबाद में टेम्परेचर था, मैक्सिमम था 38 और मिनिमम था हमारा 29, तो ये हमारा डिफरेंस आ जाता है 9 का, ठीक है। उसके बाद अमृतसर में था 37 एंड 26, तो ये हमारा डिफरेंस आ जाता है 11 का। उसके बाद बेंगलुरु में था 28 एंड 29, तो ये तो लेस ही होगा, ठीक है, 7 का डिफरेंस है। सो सबसे ज्यादा अभी तक लार्जेस्ट डिफरेंस जो है वो अमृतसर में था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चेन्नई में आता है, चेन्नई में था हमारा 36 एंड 27, तो ये हमारा बन जाता है ऑलमोस्ट 9। उसके बाद दिल्ली में था हमारा 38 एंड 28, तो ये कितना डिफरेंस आ गया 10 का। तो अभी तक अमृतसर में ही चल रहा है सबसे ज्यादा। जयपुर का था हमारा डिफरेंस 39 एंड, जयपुर में डिफरेंस था 39, सेकेंड वाला हमने लिखा ही नहीं है, एंड 29, तो ये भी आ गया 10 का डिफरेंस ही यहां पे भी, ठीक है। उसके बाद जम्मू में था 41 एंड 26, तो ये आ जाएगा हमारा 15 का डिफरेंस, सबसे ज्यादा इसमें हो गया। मुंबई में था 32 एंड 27 का, तो ये तो सिर्फ 5 का डिफरेंस आया। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिफरेंस किसमें था, जम्मू में, तो हम लिखेंगे सो लार्जेस्ट
टेम्परेचर डिफरेंस इज इन जम्मू। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं अब इसके। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन इसका आता है विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड कोल्डेस्ट सिटी। सेकेंड देखो, हॉटेस्ट सिटी, कोल्डेस्ट सिटी। ठीक है, हॉटेस्ट कौन सी और कोल्डेस्ट कौन सी। तो हॉटेस्ट सिटीज कौन सी होंगी। हॉटेस्ट सिटी होगी जब जहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा देखो 41 किसमें था, जम्मू में। तो हॉटेस्ट सिटी कौन सी हुई, जम्मू। मैक्सिमम यहाँ पे टेम्परेचर लिख देते हैं इज इक्वल टू 41 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कम किसमें था, बेंगलोर में। ठीक है, 28 मैक्सिमम था। तो कोल्डेस्ट सिटी कौन सी हुई, तो बेंगलोर। यहां पे हम लिखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है, नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ, मैक्सिमम टेम्परेचर जिसका वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर्स, उनका मिनिमम टेम्परेचर से भी कम था। अब देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम, सबसे कम मैक्सिमम टेम्परेचर था 28 बेंगलोर का, तो ये तो हमें पता है। अब टू सिटीज ऐसी ढूंढनी है जिनका मिनिमम टेम्परेचर भी 28 से ज्यादा हो। तो फर्स्ट तो आ गई हमारी अहमदाबाद, सेकेंड यहाँ पे, अरे यार सेकेंड, हाँ सेकेंड यहाँ पे आएगी 29 यही वाली, क्योंकि हमने इसका नहीं लिखा हुआ था, जयपुर। तो हमारी अहमदाबाद एंड जयपुर होगी। ठीक है, तो थर्ड काम लिखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर इन बेंगलोर इज इक्वल टू 28 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे हम लिखते हैं मिनिमम टेम्परेचर इन, मिनिमम टेम्परेचर एक तो आ जाएगा हमारा अहमदाबाद जिसमें था 29 डिग्री सेल्सियस, और एक और थी मिनिमम टेम्परेचर इन जयपुर जिसमें भी हमारा टेम्परेचर सेम था। सो बेंगलोर एंड अहमदाबाद कॉमा बेंगलोर एंड जयपुर हैव द लेस टेम्परेचर, लेस मैक्सिमम टेम्परेचर हम लिखेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर देन द मिनिमम टेम्परेचर। दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, जिनमें सबसे कम है। अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था लार्जेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस था, अब मिनिमम देखो कहां पे आ रहा है, मुंबई में आ रहा है ना मिनिमम 5। ठीक है, यहां पे हम सीधा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे क्योंकि हमने निकाला हुआ है, तो यहीं पे लिख देते हैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। सो मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस इज इन मुंबई। ठीक है, तो यहां पे ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।